ये देखो जबरदस्त बनाया हुआ है। सामने में जो है राक्षस यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान राम केवट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं ये केवट जी है और ये है भगवान रामचंद्र जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है सीता हरण, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भगवान गणेश जी। तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन कर सकते हैं भगवान गणेश जी का। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान राम सबरी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सबरी माता जी के कुटिया में, ये देखें। और ये है सबरी माता जी और यहाँ पे ये देखें भगवान श्री रामचंद्र जी। अभी हम पहुँच चुके हैं राम सेतु निर्माण की जगह में। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित देवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ घुघुआ में और ये जो घुघुआ पड़ता है रायपुर से अगर आप आते हैं तो 10 किलोमीटर है, भाटा गाँव से आपको अराउंड 10 किलोमीटर पड़ेगा। जो है घुघुआ जमराव ऐसा करके जगह का नाम है, ये भी दुर्ग जिला में ही आता है। और यहाँ पे मतलब जो है खूबसूरत सा जो झांकी तैयार किया गया है तो आप लोगों को जो है दिखलाते हैं। और ये जो झांकी है गांव वालों की तरफ से जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। अभी मैं उसके जस्ट जहाँ पे एंट्री है उसी के जस्ट बाहर में भी खड़ा हूँ। और ये जो है गांव थोड़ा सा आउट पड़ता है, कई लोगों को नहीं पता है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रायपुर, रायपुर से फिर भाटा गाँव, भाटा गाँव से जमराव होते हुए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अराउंड वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को जो दिखाते हैं किस तरह से झांकी तैयार किया हुआ है। तो गाइस, यहाँ से अपन चलने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंट्रेंस गेट बनाया हुआ है और यहाँ पे दो बंदर है और बीच में एक बंदर जो है झूल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो झांकी तैयार किया हुआ है राम वनवास पर किया हुआ है, आगे झांकी है। करीब करीब यहाँ से लगभग 100 मीटर जाना पड़ेगा हम लोगों को। और यहाँ से आप आ सकते हैं भाटा गाँव से, ये जो गाँव है घुघुआ गाँव। और यहाँ पे जो है झांकी तैयार हुआ है और ज़्यादा दूर नहीं है, बस 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान भगवान जी को देख सकते हैं रस्सी के द्वारा जो है लटका के रखे हुए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो है सामने जो है भूतिया पंडाल जो है सामने में जो है बना हुआ है, आप लोगों को दिखलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यक्रम चलेगा, आगे कुछ कार्यक्रम हो ही रहा था कुछ देर पहले, अभी फिलहाल तो बंद करके रखा हुआ है। यह देखो ज़बरदस्त बनाया हुआ है, सामने में जो है राक्षस ये देखिए। और सभी लोग जो है गांव के आसपास के और गांव के लोग जो है अभी अंदर की ओर जा रहा है, आप लोगों को जो है दिखाते। बहुत खूबसूरत जो है सामने बनाया हुआ है। तो अब पारी है जाने की, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश द्वार और यहाँ पे सब गांव के लड़कियाँ लोग सब जा रही है, तो इसके पीछे अपन भी चलते हैं और आप लोगों को जो है दिखलाते हैं। और ये देखिए भाई, गुफा टाइप का बना हुआ है, अंदर लाइट वगैरह जल रहे हैं, लाल लाल जो है नज़र आ रहा है। आगे आप लोगों को जो है दिखलाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे झांकी तैयार किया गया है। बाहर से जो है आप लोगों को जो दिखलाया हूँ सामने से जो बना हुआ है भूतिया वाला बना हुआ है, तो आगे देखते हैं। वैसे सामने में लिखा हुआ था राम वन गमन पथ करके लिखा हुआ था, तो उसी से संबंधित यहाँ पे जो है झांकी तैयार किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी भीड़ जो है बढ़ गया है। ये देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान राम केवट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं ये केवट जी है और ये है भगवान रामचंद्र जी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास का समय जब हुआ था तो उस टाइम जो केवट जी है वो राम भगवान जी को उसी टाइम पार कराए थे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे जो है ना झांकी के माध्यम से जो है दिखलाया हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जो है दिखलाते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है सीता हरण, आप लोग देख सकते हैं जिस टाइम जब माता सीता जी का हरण हुआ था तो उसी को यहाँ पे दिखलाया हुआ है, ये देखिए। और ये राक्षस का विमान है, इसी विमान से जो है माता सीता जी का हरण करने के लिए जो है यहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे जो है दिखला। ये है रावण है और ये माता सीता जी है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे में क्या चीज़ दिखलाया हुआ है। यहाँ पे सब गांव के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये देखो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भगवान गणेश जी। तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन कर सकते हैं भगवान गणेश जी का। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान राम सबरी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सबरी माता जी के कुटिया में, ये देखें। और ये है सबरी माता जी और यहाँ पे ये देखें भगवान श्री रामचंद्र जी। और ये देख सकते हैं बहुत सुंदर बनाया हुआ है इस कुटिया को, ये देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान राम सबरी, जिस टाइम भगवान रामचंद्र जी वनवास काटे थे माता जो सबरी जी है उन्होंने जूठा जो पेड़ है उसको वो खिलाया था, उसी चीज़ को यहाँ पर जो है दिखलाया हुआ है झांकी के माध्यम से, बहुत सुंदर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों को जो है माता सबरी के जो है कुटिया को दिखलाया हुआ है, इसके बाद जो है क्या चीज़ देखने को मिलता है तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं राम सेतु निर्माण की जगह में, जहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है वानरों के द्वारा जो है राम सेतु यानी कि जो है पुल बनाने का जो काम किया था उसी को यहाँ पर जो है दिखलाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भगवान रामेश्वरम। तो यहाँ पे देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे पूजा पाठ भी किया हुआ था, जिस टाइम जब माता सीता जी को हरण करके रावण लेकर जब गए थे ना, उसी चीज़ को यहाँ पे मस्त जो है झांकी के माध्यम से दिखलाया। ये देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और जामवन जी है और पूरा वानर सेना, और यहाँ पर देख सकते हैं भगवान बजरंगबली जी। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर झांकी के माध्यम से जो है दिखलाया हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं। और वो है पत्थर है जिसके माध्यम से जो है पुल बांधा हुआ था उस टाइमिंग में, तो यहाँ पे राम लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है झांकी के माध्यम से, आप लोग जो है देख सकते हैं। और ये राम सेतु निर्माण है, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है लंका प्रवेश। ये देखो हम पहुँच चुके हैं लंका में, ये देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेघनाथ यज्ञ, ये देखिए मेघनाथ जो है यज्ञ कर रहे उसी को यहाँ पे दिखलाया है। और यहाँ पे है देवी नुकुम्बला करके लिखा हुआ है, देखो ये राक्षसी है आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जो है लंका में जो है प्रवेश कर चुके हैं, ये देखो मस्त सुंदर सा जो है झांकी के माध्यम से जो है ना दिखलाया हुआ है। और ये क्या चीज़ है ये देख सकते हैं, अभी जो है ये मेघनाथ जो है ना अभी यज्ञ कर रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर, ये देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है और कुछ है, चलो आए देखो आगे और क्या है उसको आप लोगों को जो है दिखलाते हैं। बहुत सुंदर बनाया हुआ है भाई झांकी को, चलिए देख सकते हैं बहुत सुंदर बनाया हुआ है भाई। गांव वाले ने जो है ना मिल करना बहुत सुंदर तरीका से जो है इस गुफा को जो है बनाया, गुफा में जो है मस्त जो है राम वनवास के बारे में जो है उसको दिखलाया हुआ है, ये देखो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये लिखा हुआ है सीता माता, मतलब जब जिस टाइम माता जी का जब हरण हुआ था तो वो रावण के जो है मतलब यहाँ पे लंका में वो रुकी हुई थी, उस जगह का नाम लिखा हुआ है अशोक वाटिका। तो चलिए आप लोगों को जो है बैक कैमरे से दिखलाते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीता माता अशोक वाटिका। जिस टाइम जब रावण जी ने जब माता सीता जी का हरण किए हुए थे तो उसे जो है अशोक वाटिका में जो है रुकने के लिए जो बोली थी तो वहीं पे रुकी हुई थी, वहीं का ये जो सीन इसको दिखलाया हुआ है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पर हमारे भगवान बजरंगबली जी जो है देखो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से जो है इस झांकी के माध्यम से जो है ना बतलाया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी मस्त देखो उबाल मार रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है दिखलाया हुआ है। और ये है हमारी माता सीता, बहुत सुंदर यार, आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से जो है दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोगों को जो है दिखलाते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हनुमान लंका धाम। तो ये लिखा हुआ है हनुमान लंका धाम, यहाँ पे भगवान बजरंगबली जी आप देख सकते हैं ऊपर में रावण जो है बैठा हुआ है उसी को यहाँ पे जो है दिखलाया हुआ है, बहुत सुंदर। और ऊपर में देख सकते हैं जो है भगवान हनुमान जी है ना वो रस्सी में लटके हुए हैं, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ जो है रखे हुए, सोने की चीज़ बना दिया गया इसको। और ये देखो यहाँ पर रावण। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, अच्छा अच्छा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम रावण युद्ध। तो यहाँ पे राम भगवान और रावण का जब युद्ध होता है उसी को यहाँ पे दिखलाया हुआ है। वो देखो वहाँ पे है भगवान बजरंगबली जी और यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी, ये देखिए रावण, बहुत सुंदर क्या बनाया हुआ है यार झांकी के माध्यम से, बहुत अच्छा दर्शाया हुआ है राम वनवास को, ये देखिए। बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे, बताओ आप लोग, अच्छा लग रहा है। और इसके पहले क्या बना हुआ था पिछले साल आप लोग को याद है क्या बना हुआ था, अरे वाह क्या बात है। तो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के क्या पढ़ते हो आप लोग, पाँचवीं क्लास में, ठीक है। ये देखें आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है राम दरबार, यहाँ पे देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और यहाँ पे है
भगवान बजरंगबली जी। जब युद्ध करके जब वो वापस घर में आते हैं ना, तो उसी को यहाँ पे दिखलाया हुआ है। यहाँ पे जब भगवान रामचंद्र और माता सीता जी साथ में बैठे हुए हैं, ये देखिए बहुत सुंदर। तो गाइस मैं आज आया हुआ था भुगवा गांव, जो कि दुर्ग जिला में पड़ता है, और बहुत ही खूबसूरत जो है झांकी बनाया हुआ है, और पीछे मैं आप लोगों को दिखलाया हुआ हूँ, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और यह सामने में जो है भूतिया पंडाल जो बना हुआ है, लेकिन अंदर में जो है राम वनवास के बारे में जो दिया है, 14 वर्ष जब भगवान रामचंद्र जी समय जब काटे हुए, उसी चीज़ को जो है झांकी के माध्यम से जो है दिखलाया हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।